गुड इवनिंग, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। वैसे गुड इवनिंग तो नहीं बोल सकते, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। अभी गुड नाइट होने का टाइम हो गया, क्योंकि अभी घड़ी में बजे करीबन 8:45, और आज ऐसा है कि कोई है नहीं घर पे, क्योंकि वेकेशन चल रहा है, तो सब गए नानी के घर और मैं हूँ घर पे। वैसे तो अकेला ही हूँ अभी, तो सोचा चलो कुछ खाने का ही सोच रहे बना रहा था, पर फिर थोड़ा लेट भी हो गया था। और बाहर का जैसे पहले तो ख्याल आया कि कोई जोमेटो ऐसा कर लेते, फिर सोचा चलो बाहर का खाना अवॉइड ही कर रहे, तो थोड़ा घर में ही कुछ बनाते, पर फिर वो भी मैं थोड़ा आलस जो है तो क्या करे, और थोड़ी सुस्ती भी लग रही थी, तो कोई नहीं, ब्लिंकिट कर दिया और ब्लिंकिट में से ये मंगा लिया। नेस्ले का A+ मसाला मिलेट है, एक काइंड ऑफ ओट्स जो है हम रेगुलर जो खाते थे वैसे ही है, पर ये कोई नई ब्रांड है। मतलब नेस्ले तो बहुत फेमस है, बट मैं ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। और फिर ऐसा लगा कि अकेले ओट्स से क्या होगा मेरा, तो मल्टीग्रेन ब्रेड है, उसके साथ जैम भी है, तो देखते हैं। कॉम्बिनेशन थोड़ा वियर्ड है, मीठा तीखा, पर अभी घर का बना हुआ कुछ ऐसा लगेगा कि एटलीस्ट हम कुक किया हुआ खा रहे हैं, क्योंकि बाहर का अभी अवॉइड करना है। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ, और इसका मेकिंग देखो, मज़ा आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कर देना। और बहुत टाइम से ऐसे कोई वीडियोस नहीं बनाए थे खाने के, तो सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना देते, और ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करूँगा, मुझे पता है आपका टाइम बहुत ही प्रेशियस है, तो ज़्यादा मैं आपको परेशान भी नहीं करूँगा। छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को, और आगे इसको फॉरवर्ड कर देना, बस छोटा सा काम है। और सीधा अभी अपने कुकिंग की ओर चलते हैं। तो इसकी रेसिपी तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा इसमें कोई तामझाम भी नहीं है, छोटा सा ही प्रिपरेशन है। जैसे बोल रहा है कि भाई 200 ml पानी, और उसको गर्म करो, और फिर ये डाल दो सैचेट पूरा, और 2-5 मिनट तक पकाओ, और फिर उसको अच्छी तरह से हिला दो, बस। और आपके ओट्स तैयार है, तो बस इनके हिसाब से ही हम बनाएंगे। ले लेते हैं छोटी सी कढ़ाई, अभी इसको कढ़ाई बोलते हैं या क्या बोलते हैं मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट ये कढ़ाई ही है और तो क्या है। और फिर पानी भी भर लेते हैं, 1 कप बोला है तो हम 1 कप पानी डाल देते हैं इसमें। और गैस को कर लेते हैं ऑन, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, फिर एक और एफर्ट, अब हो गया। पैकेट को काट लेते हैं, और जो भी इसके अंदर जो है सामग्री वो पूरी इसके अंदर डाल देंगे, कढ़ाई के अंदर। आहा, इसकी स्मेल बहुत ही बढ़िया आ रही है, पूरा मसाला ओट्स लग रहा है, टेंगी टोमेटो फ्लेवर है। अभी बोला है हाई इन फाइबर, 30% लो कैलोरी, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, अभी ये सब पढ़ने का ही है, क्योंकि अभी तो हम क्या ही बोले आपको। हाँ, पर एक चीज़ है, जब से वो फूड फार्मर ने जब से बोला है कि लेबल पड़ेगा इंडिया, तब से थोड़े कॉन्शियस हो गए, और हम श्योरली ये सब लेबल जो है पीछे लगे वो पढ़ रहे हैं, बट स्टिल क्या ही कर सकते हैं। अभी भूख भी लगी है, और ये सिचुएशन में बस ज़्यादा बात किए बिना इसको अंदर डाल ही देते हैं, अच्छी तरह से एक बार बस स्प्रेड हो जाए अंदर, पूरा मिक्स हो जाए। वैसे स्मेल तो बहुत ही बढ़िया आ रही है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको ढक देते हैं, और जैसे लिखा है कि 2-5 मिनट में रेडी हो जाएगा, तो सीधा अभी 2-5 मिनट के बाद ही मैं आपको मिलता हूँ। तो चेक कर लेते हैं अगर हमारे ओट्स अभी रेडी हो गए कि नहीं, क्योंकि ये बोलते हैं 2-5 मिनट, पर करीबन मेरे को 10 मिनट लग गए, अभी भी मेरे को लग रहा है कि वो पके नहीं है, पर इस बार मैं फाइनली देखने आया हूँ कि अभी तो शायद पक गए होंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं अगर ओट्स बन गए कि नहीं। और ये बार बार ओट्स 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 बोल रहे हैं, पहले तो हम ओट्स ओट्स ही कर रहे थे, पर अभी थोड़े करेक्ट टर्म्स जो है तो उसको ओट्स बोलते हैं, तो ठीक है ओट्स बोलते हैं, और देख लेते हैं अभी पक गए कि नहीं, बन गए कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, शायद बन गए, स्मेल तो आ रही है अच्छी, ठीक है चलो।
बन गए। चलो ठीक है, तो अभी गैस को कर देते हम बंद और इसको प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल देते हैं, और साथ ही साथ ब्रेड जो है वो खाएंगे। अभी कैसा है, मन तो मेरा रोटी सब्जी का था, पर अभी यही मेरे लिए सब्जी और यही मेरे लिए रोटी है, तो इसको ही रोटी सब्जी बना के हम खा रहे हैं। प्लेट में भी सर्व कर लेते हैं। प्लेट रेडी हो गई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो ही गई है, अभी जस्ट खाना बाकी है। टेस्ट करते हैं और मैं बताता हूँ इसको कैसा लगता है। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है तो फैन भी ऑन कर लेते हैं। भाई साहब स्मेल तो बहुत ही बढ़िया आ रही है, अभी टेस्ट भी करके देखते हैं कैसा लग रहा है। और ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा चढ़ा के मैं बोल रहा हूँ बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल पानी डाला है गैस पे, कढ़ाई रखी है और बस ये जो इंग्रेडिएंट्स का भरा हुआ जो पिटारा था, मतलब जो पैक सैचेट था, डाल दिया। मैं जस्ट बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, बाकी बहुत ही सिंपल था। अभी बस टेस्ट कर लेते क्योंकि ऑलरेडी ये ठंडा हो जाएगा, तो ज़्यादा वीडियो को भी मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा कोई वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो भाई बोल दो, कमेंट में लिख दो कि ऐसा वीडियो अच्छा लग रहा है, और ऐसे मैं ट्राई करूँगा बहुत और वीडियोज़ बनाऊँ। पर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो अगर आप नए हो तो, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो भाई लाइक और कमेंट कर दो, एक मोटिवेशन मिलता है। और सभी को गुड नाइट, ऑलरेडी 10 बज गए घड़ी में, कोई नहीं हम थोड़ा लेट खा रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।